डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स में साल 2024 तक की मूवीज की रिलीज डेट्स फाइनलाइज हो चुकी हैं। बट उन मूवीज के अलावा 8 न्यू और डिफरेंट कैरेक्टर्स पे बेस्ड मूवीज भी प्लानिंग फेज में हैं और आने वाले कुछ सालों में एक एक करके रिलीज होंगी। इन मूवीज की रिलीज डेट्स फिलहाल अवेलेबल नहीं है, बट ये सभी कैरेक्टर्स गारंटीड डीसी के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में देखने मिलेंगे। अगर आप डीसी कॉमिक्स के फैन हैं तो इन कैरेक्टर्स को बड़ी स्क्रीन पे देखने में आपको बहुत मजा आने वाला है। वेलकम टू सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल और ये है लिस्ट डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स के सभी अपकमिंग न्यू सुपर हीरोज की। ज़ैटैना। ज़ैटैना के रूप में मिलेगा DCU को उनका सबसे पहला सॉर्सरर यानी कि मैजिशियन। कॉमिक्स के हिसाब से ज़ैटैना एक स्टेज मैजिशियन है और एक्चुअल में एक जादूगरनी भी है। ज़ैटैना की सुपर पावर्स है लेविटेशन, टेलीकिनेसिस, एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट होना और मल्टी डायमेंशनल ट्रेवल कर पाना। ज़ैटैना आगे चल के जस्टिस लीग के कई मेंबर्स और बैटमैन के साथ भी टीम अप करती है। तो ज़ैटैना वंडर वुमन के बाद DCU की सेकेंड फीमेल सुपर हीरो होगी। मूवी की रिलीज डेट अभी क्लियर नहीं है, पर ये साल 2024 में रिलीज हो सकती है। ब्लू बीटल। ब्लू बीटल एक न्यू सुपर हीरो के रूप में ज्वाइन करेगा DCU को मोस्ट प्रोबेबली 2024 के मिड में। कॉमिक्स के हिसाब से जेमी रीस एक टीनेजर लड़का है जिसको कि स्क्रैब्स बीटल से एक पावर मिलती है और वो ब्लू बीटल बनता है। ब्लू बीटल एक्चुअल में एक तरह से आयरन मैन और एंटमैन की पावर्स का कॉम्बिनेशन है। वो बीटल से कम्युनिकेशन करने के साथ साथ उड़ भी सकता है और एनर्जी बीम्स भी जनरेट कर सकता है। बस ये पावर्स कोई सूट से ना होके रियल स्क्रैप बीटल्स की होती हैं, जो कि उसकी बॉडी में ही रहते हैं। अब ये तो कॉमिक्स वर्जन है और एक्चुअल मूवी में इस सुपर हीरो को कैसे दिखाया जाता है वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा। बैट गर्ल। बैट गर्ल को आप बैट वुमन से कंफ्यूज मत कर लेना। बैट गर्ल कॉमिक्स में 3-4 बार अलग अलग तरीके से इंट्रोड्यूस हुई है और वो एज अ यंग टीनेज गर्ल जो कि बैटमैन एंड रॉबिन के साथ क्राइम फाइट करने में हेल्प करती है के रूप में दिखी है। वो एक तरह से बैटमैन और बैट वुमन की मानी हुई बेटी है जो कि उन्हीं की तरह गैजेट्स और अपनी फाइटिंग स्किल्स यूज करती है क्राइम से फाइट करने के लिए। बैटगर्ल मूवी पे 2021 के एंड तक काम शुरू होगा और शायद मूवी 2024 तक रिलीज हो सकती है। ब्लैक हॉक। ब्लैक हॉक वर्ल्ड वॉर 2 के पायलट्स की एक टीम है जो कि क्रिमिनल्स से फाइट करते हैं अपनी हिडन आइडेंटिटी और हिडन बेस से, जिसका नाम है ब्लैक हॉक आइलैंड। ब्लैक हॉक में 7 मेंबर्स हैं जो कि अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग और कोऑर्डिनेशन से क्रिमिनल्स से लड़ते हैं। ये एक सुपर हीरो मूवी ना होकर मिलिट्री बेस्ड कॉमिक्स की मूवी होगी। इसको डायरेक्ट करने वाले हैं स्टीवन स्पिलबर्ग, जिसकी रिलीज डेट फिलहाल अवेलेबल नहीं है। सुपर गर्ल। 2022 की द फ्लैश मूवी के मल्टीवर्स की वजह से जो सुपरगर्ल हमें देखने को मिलेगी, उसी की स्टैंड अलोन मूवी हमें एज सुपरगर्ल फ्यूचर में देखने मिलेगी। कॉमिक्स में कारा ज़ोर-एल काल एल की कजन सिस्टर है जिसके पास सुपरमैन की ही तरह सुपर ह्यूमन एबिलिटीज और स्ट्रेंथ है। बट क्योंकि DCU में हमें सुपरगर्ल एज ऑल्टरनेट यूनिवर्स से दिखाई जाएगी, तो हो सकता है कि स्टोरी लाइन भी थोड़ी बहुत चेंज की जाए। नाइटविंग। नाइटविंग एक्चुअल में बैटमैन के सपोर्टिंग कैरेक्टर रॉबिन का ही अल्टरनेट सुपरहीरो नेम है। जब डिक ग्रेसन बैटमैन से अलग हो जाता है तो वो रॉबिन की जगह एक न्यू सुपरहीरो आइडेंटिटी यूज करता है नाइटविंग के रूप में। नाइटविंग की सुपर पावर्स है उसका इंटेलिजेंस, फाइटिंग एबिलिटीज और उसके गैजेट्स। नाइटविंग मूवी अभी डेवलपमेंट फेज में है, यानी कि स्टोरी लाइन और रिलीज डेट के बारे में कोई डिटेल्स फिलहाल अवेलेबल नहीं है। लोबो। लोबो के रूप में DCU इंट्रोड्यूस करेगा एक और एंटी हीरो को। लोबो एक दूसरे प्लेनेट का सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और हीलिंग पावर वाला एलियन बाइकर है जो कि मोस्टली एज अ बाउंटी हंटर काम करता है, यानी कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट वो ले लेता है वो उसे पूरा करके ही दम लेता है। लोबो स्टैनली का मोस्ट फेवरेट DC कैरेक्टर था और DC ने ये कन्फर्म किया है कि वो लोबो को लेके एक स्टैंड अलोन मूवी जरूर निकालेंगे। स्टैटिक शॉक। स्टैटिक शॉक मूवी से हमें मिलेगा एक और ब्लैक सुपर हीरो स्टैटिक। वर्जिल ओविड हॉकिंस एक ब्लैक टीनेजर है जो कि एक केमिकल गैस की वजह से मेटा ह्यूमन बन जाता है। उसकी सुपर पावर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक कंट्रोल, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को कंट्रोल करना। वो अपने हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक चीजों को कंट्रोल करके मूव कर सकता है। इस मूवी की भी फिलहाल कोई रिलीज डेट्स अवेलेबल नहीं है। तो ये थी लिस्ट उन सभी न्यू कैरेक्टर्स की जो कि ज्वाइन करने वाले हैं DC एक्सटेंडेड यूनिवर्स को आने वाले फ्यूचर मूवीज में। कमेंट्स में लिख के बताइएगा कि इनमें से आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है।
होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। आने वाले वीडियोस में मैं डीसी के अपकमिंग टीवी शोज और स्टोरी लाइन के बारे में बात करूंगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। माई नेम इज स्वप्निल और आप देख रहे थे सुपर फैंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।